हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि फीमेल गायनोशियम के बारे में और उसका एक इंड्यूसर मेम्ब्रेन होता है, इसको हम पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल इसके लाइक इसके तीन पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, देन नेक्स्ट पार्ट स्टाइल स्टाइल एंड देन लास्ट वन इज पोर्शन इज योर ओवेरी पार्ट। ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर आपका एम्ब्रियो सैक था। फिर उसमें हमें देखा था कि सबसे पहले कैसे सबसे पहले आपके कैसे मेगा स्पोर बनते हैं। मेगा स्पोर बनने के लिए आपके ओवेरी के अंदर जो न्यूक्लियस सेल्स होती है उसमें से एक सेल मेगा स्पोर मदर सेल मेगा मदर लाइक आपके मेगा मदर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और वही मेगा स्पोर मदर सेल आपको उसमें मियोसिस डिवीजन होता है जिससे एक मेगा स्पोर बनता है, और उसमें से तीन मेगा स्पोर उसको फूड दे के डिजनरेट हो जाते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में एक मेगा स्पोर से पूरे एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। एक एम्ब्रियो सैक एट न्यूक्लिएट और सेवन सेल आपका एट न्यूक्लिएट और सेवन सेल स्ट्रक्चर है, हमने ये देखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पोलिनेशन कैसे होता है। पोलिनेशन इट मीन ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द ध्यान रखना अगेन द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन। ओके, सो ध्यान रखना कि जो लाइक जो प्लांट्स के अंदर जो गैमिट्स होते हैं, ना ही जो गैमिट्स हैं लाइक जैसे ना मेल गैमिट्स और ना फीमेल गैमिट्स, दोनों ही मोटाइल नहीं होते, दोनों ही चल नहीं सकते। ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म्स चल सकता है, तो उसके लिए अब लाइक अब जब जो चीज़ चल नहीं सकती, जो चीज़ खुद मूव नहीं कर सकती, तो उसको कोई ले जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, और उसी मीडियम के लिए बहुत सारे फैक्टर उसके लिए मदद करते हैं, और जो फैक्टर इसमें मदद करते हैं उनको पॉलिनेटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ओके, सो दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, एंड हाउ इट इज अचीव, इट इज इसका रीजन है कैसे इसको अचीव किया जाता है। पॉलिनेशन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव? हम फर्टिलाइजेशन के ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं। क्लियर। द ट्रांसफर ऑफ ए पॉलन ग्रेन ऑफ ए स्टिग्मा टू द पिस्टिल इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड अ अमेजिंग एरे ऑफ अडॉप्टेशन टू अचीव ए पॉलिनेशन। जो आपके फ्लावरिंग के जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर के जो प्लांट होते हैं, इस पोलिनेशन को अचीव करने के लिए उनमें वैरायटी ऑफ अमेजिंग आपको एक अडॉप्टेशन मिलते हैं, जो जिस अडॉप्टेशन के थ्रू उनके आसानी से पोलिनेशन हो जाता है। वो अडॉप्टेशन डिपेंड करता है कि उसको किससे पोलिनेट होना है। एयर के थ्रू पोलिनेट होना है, वाटर के थ्रू पोलिनेट होना है, बर्ड के थ्रू पोलिनेट होना है, या किसी एनिमल के थ्रू पोलिनेट होना है। तो जिसके अकॉर्डिंग उसको पोलिनेट होना होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को ऐसे अडॉप्ट करते हैं कि आसानी से वो पोलिनेट हो सके। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल तो हमने बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे कि कैसे कुछ एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे कि एक कॉपुलेशन का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कॉपुलेशन का एक मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो अंजीर के पेड़ में वो अपने आप को पोलिनेशन करने के लिए अपना जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक लीफ होती है, उसकी एक लीफ अपना एक लीफ का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल बीटल के जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से आसानी से कोई भी मेल बीटल उसके पास में आता है, और वो लाइक जब वो देखता है कि आएगा। देखिए अल्टीमेटली क्या होता है कि जो प्लांट है उसका अल्टीमेट टारगेट है कि किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी मीडियम को अपने साथ अट्रैक्ट करना। एक बार मेल बीटल अट्रैक्ट हो गया, प्लांट के पास आ गया, तो पोलन से चिपक गए, और फिर जब उसको पता चला कि ये फीमेल नहीं है, ये तो एक धोखा था, वहां से वापस चला जाता है और अपने पोलन को रिलीज करता है। इस तरह से लाइक वहाँ पे लाइक फर्दर इवोल्यूशन होता रहता है। सो द फ्लावरिंग इसलिए द मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव ए पोलिनेशन। तो वे बाहर के एक प्रोसेस को वो अचीव करते हैं इस पोलिनेशन को होने के लिए। तो एक्सटर्नल एजेंट इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, इंसेक्ट, विंड, वाटर, बर्ड, बैट्स, स्नेल, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी एबायोटिक, इट मे बी बायोटिक। जैसे कि एयर और वाटर एबायोटिक है, लेकिन इंसेक्ट है, एयर है, वाटर है, विंड है, ये तीनों ही आपके एबायोटिक हैं, लेकिन बायोटिक में इंसेक्ट है, वाटर है, बर्ड है, बैट है, स्नेल है, ये आपके बायोटिक फैक्टर है। अब जैसे कैसे, ये देखिए, ये आपका पॉलन का, ये देखिए आपका क्या है, ये था आपका स्टेमन पार्ट था, और ये आपका पूरा एक कार्पल का पार्ट है। इसके एंथर से एक पॉलन रिलीज होता है, दैट पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ दिस like your carpal. So this process is called the transfer of a pollination. This process is called the pollination, and that pollination is occurred by the variety of medium. It may be by the abiotic or it may be by the biotic. ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इट मे बी टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन आपको दिखाई देगा, फॉर एन एग्जाम्पल इफ देर इज वन प्लांट एंड प्लांट के अंदर दो फ्लोवर है,
इफ दैट पॉलिनेशन इज लिमिटेड टू दिस प्लांट ओनली, तो दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ देखिएगा. और अगर दैट पॉलिनेशन अकर फ्रॉम द वन, पॉलिनेशन अकर फ्रॉम द फ्लोवर वन ऑफ प्लांट ए टू द फ्लोवर वन टू द प्लांट बी, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. अगर देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन में अगर मान के चलो एक फ्लोवर वन, अगर फॉर एन एग्जाम्पल वो बाइसेक्शुअल फ्लोवर है, बाइसेक्शुअल फ्लोवर कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल जो पार्ट है वो दोनों एक ही फ्लोवर के ऊपर है, तो वो आसानी से सेल्फ पॉलिनेट कर सकते हैं. अदरवाइज ये हो सकता है कि प्लांट ए के अंदर दो फ्लोवर है लेकिन उसमें से दोनों फ्लोवर में किसी के पास एक मेल पार्ट है, किसी के पास दूसरे के पास फीमेल पार्ट है. तो अगर ये फीमेल, ये अगर इसका एक गैमेट इस दूसरे इस यहाँ पे ट्रांसफर होता है, फॉर एन एग्जांपल इसका एक फ्लोवर वन के पास आपके पॉलेंस है और फ्लोवर टू के पास में कोई भी फीमेल पार्ट है, सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम ए फ्लोवर वन और टू द फ्लोवर टू, इट इज ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन. तो सेल्फ पोलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, दो हो सकता है. एक तो हो सकता है विद इन अ फ्लोवर ऑफ ए सेम प्लांट, और विद इन अ फ्लोवर ऑफ सेम प्लांट मतलब उसी प्लांट के उसी फ्लोवर के में हो रहा है वो सेल्फ पोलिनेशन है, या फिर एक ही प्लांट के जो दो फ्लोवर है उनके बीच में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो सेल्फ पोलिनेशन. क्लियर हो गया. और अगर दो प्लांट के दो फ्लोवर के बीच में अगर पोलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन. देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ प्लांट ए, दिस इज अ प्लांट बी, अगर इसके पोलन उसी फ्लोवर के, अगर किसी फ्लोवर के एक पोलन उसी फ्लोवर के फीमेल गायनोशियम, फीमेल जो आपका फीमेल जो आपके गायनोशियम है उसको फर्टिलाइज करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द, देखिए ऑटोगेमी, इसको हम ऑटोगेमी कहते हैं. और अगर वो किसी दूसरे फ्लोवर को फर्टिलाइज करते हैं तो उसको गिटनोगेमी कहते हैं. तो ऑटोगेमी और गिटनोगेमी ये दोनों सेल्फ पोलिनेशन के पार्ट हैं. और अगर इसके फ्लोवर लाइक एक बर्ड के थ्रू या लाइक किसी भी एक इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी इंसेक्ट के थ्रू दूसरे फ्लोवर को, दूसरे प्लांट के फ्लोवर को अगर फर्टिलाइज करते हैं तो उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं. तो सेल्फ पोलिनेशन पे यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक तो होता है ऑटोगेमी, ऑटोगेमी और एक होता है गिटनोगेमी. तो ऑटोगेमी और गिटनोगेमी ये दोनों सेल्फ पोलिनेशन के पार्ट हैं और दैट इज क्रॉस पोलिनेशन. गिटनोगेमी कब होता है, जब एक ही फ्लोवर का एक पोलन उसी फ्लोवर में प्रेजेंट फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज कर दे, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटोगेमी. और अगर एक ही फ्लोवर का मेल पार्ट दूसरे फ्लोवर में प्रेजेंट उसके फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करता है तो उसे कहते हैं गिटनोगेमी. और द क्रॉस पोलिनेशन इज अकर बाय द समवेयर सम बाय मीन ऑफ एनी काइंड ऑफ द बायोटिक थिंग और मे बी ए बायोटिक. ओके, तो सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने बताया ऑटोगेमी हो सकता है, गिटनोगेमी. देखिए ऑटोगेमी का हुआ, जब एक ही फ्लोवर का मेल पार्ट उसी फ्लोवर के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करेगा तो ऑटोगेमी. और अगर एक ही फ्लोवर का मतलब एक ही सेम प्लांट में एक फ्लोवर का मेल पार्ट उसी प्लांट के दूसरे फ्लोवर में प्रेजेंट फीमेल पार्ट को अगर फर्टिलाइज करेगा तो उसको कहते हैं गिटनोगेमी. ध्यान रखिएगा ऑटोगेमी तो होगा ही, अगर मान के चलो जैसे एग्जाम्पल के लिए मटर का प्लांट है, ठीक है, मटर के जो प्लांट है उसमें क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो उसी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्टी प्रेजेंट है, मेल पार्टी प्रेजेंट है. लाइक वीट में भी ऐसा ही होता है, उसमें मेल पार्टी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्टी प्रेजेंट है. तो इसमें ऐसा कोई डाउट ही नहीं है कि वो उस दूसरे प्लांट को फर्टिलाइज करेगा, तो ऑटोगैमी तो कन्फर्म ही होगा. अगर कोई एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है तो ऑटोगैमी तो कन्फर्म है. लेकिन गिटनोगेमी के लिए चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, क्योंकि गिटनोगेमी में पॉसिबिलिटी ये है कि फ्लोवर वन का जो पोलन है हो सकता है कि वो दूसरे प्लांट को भी जा सकता है, क्योंकि चांसेस यहाँ थोड़े कम रहते हैं. तो गिटनोगेमी ध्यान रखना, गिटनोगेमी इट मे बी द पार्ट ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन. ऑटोगेमी तो कन्फर्मली इनवेरिएबली सेल्फ पोलिनेशन है, लेकिन गिटनोगेमी चांसेस है कि वो क्रॉस पोलिनेशन हो जाए, क्योंकि अब जरूरी नहीं है ना कि अगर इससे जो पोलन निकलेगा जरूरी नहीं है कि उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करेगा, हो सकता है कि पोलन निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज कर ले. सो द ऑटोगेमी इज अ कन्फर्म इज लाइक द कन्फर्म सेल्फ इज अ कन्फर्म इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, बट द गिटनोगेमी हैज सम डाउट. ओके, ऑटोगेमी इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव विद इन अ सेम फ्लावर एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. In a normal flower which open exposed the anther and stigma, complete autogamy is rather rare. अब ध्यान रखना, एक ऐसा फ्लावर जिसमें आपका एक ऐसा फ्लावर जिसमें जो ओपन है, ओपन कहने का मतलब है कि एक फ्लावर है जो ओपन है जिसमें मतलब एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन है, तो उसमें ऑटोगमी के चांसेस कम हो सकते हैं. कहने का मतलब है एक फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है वो ओपन है तो हो सकता है कि ऑटोगमी ना भी हो दोनों बाइसेक्सुअल होते हुए भी. क्यों? क्योंकि अगर दोनों ओपन रहेंगे तो एयर के कांटेक्ट में आएंगे, तो पॉसिबल है कि उसके जो पोलेंस हो गए एयर से किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर पॉलिनेट हो जाए. तो इन द केस ऑफ द
इन द केस इफ द एंथर और स्टिग्मा अगर दोनों ओपन है, इफ दे आर लाइक दे आर ओपन इनटू द एयर, सो ऑटोगैमी के चांसेस रेयर हो जाते हैं। तो ऑटोगैमी होने के लिए क्या अडॉप्टेशन चाहिए? ऑटोगैमी की अडॉप्टेशन ये चाहिए कि आपका जो जो आपके एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो ओपन नहीं होने चाहिए, ये थोड़े क्लोज होने चाहिए। अगर क्लोज होंगे तो अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और दूसरा सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब पॉलन के रिलीज और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी के बीच में एक सिनगैमी होनी चाहिए। कैसे? मान के चलो कि अगर पॉलन ने, अगर फॉर एन एग्जाम्पल दोनों ओपन भी हैं तो अगर पॉलन ने, अगर मान के चलो एंथर ने पॉलन रिलीज किया और वो स्टिग्मा पे गया, लेकिन स्टिग्मा ने मना कर दिया कि मैं उसको भी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी में नहीं हूँ, तो क्या होगा? वो पॉलन कहीं और चला जाएगा। तो पोलन के रिलीज होने में और स्टिग्मा के रिसेप्ट करने में, मतलब जो पिस्टिल कार्पल, जो आपका पिस्टिल और स्टेमन का, जो पिस्टिल और स्टेमन की जो इंट्रैक्शन है वो एक साथ होना चाहिए कि स्टिग्मा भी रिसेप्टेबल हो और पोलन का रिलीज का टाइम भी एक साथ हो। दोनों अभी एक साथ होंगे तो ऑटोगैमी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होने चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे तो पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सच्चे प्लांट वायला, ऑक्सिलिस एंड कॉमेलिया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक होता है क्रिस्टोगैमी और एक होता है चैस्मोगैमस फ्लावर। अब देखिए, चैस्मोगैमस देखिए और क्रिस्टोगैमी देखिए, आपको पता लग जाएगा फर्क पिक्चर देख के। ये आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर के अंदर आपका ये जो फ्लावर होता है बंद होता है। अगर देखिए जो क्रिस्टोगैमस फ्लावर है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये जो क्रिस्टोगैमी फ्लावर है, इस फ्लावर में आप देखोगे तो इस क्रिस्टोगैमस के अंदर आपका ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में आपका स्टेमन और जो कार्पल है दोनों बंद है। तो क्रिस्टोगैमी में देखिए ऑटोमेटिकली ऑटोगैमी के चांसेस होंगे। वाइल इन केस ऑफ द चैस्मोगैमस, चैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है कि ये देखिए फ्लावर ओपन है, ठीक है, ये फ्लावर ओपन है। तो ओपन है तो अब ओपन है तो ओपन के केसेस के अंदर ऑटोगैमी के चांसेस कम हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्रिस्टोगैमी और चैस्मोगैमस है दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन दो टाइप के यहाँ फ्लावर हो सकते हैं ऑटोगैमी के चांसेस में। बाइसेक्सुअल होगा वो ऑटोगैमी होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि क्रिस्टोगैमस क्या है कि ये फ्लावर बंद है, तो मतलब कंफर्मली ऑटोगैमी होगा। लेकिन अगर मान के चलो फ्लावर ओपन है तो क्रिस्टोगैमस है, तो उसे चैस्मोगैमस है, तो चैस्मोगैमस में सेल्फ पोलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% से नहीं रहती है, मान के चलो 90% ही रही है। तो उस केस में चैस्मोगैमस में जो ऑटोगैमी के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, एग्जांपल देखिए, चैस्मोगैमस दे आर ए फ्लावर विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसी वी एक्सपोज टू एंथर एंड स्टिग्मा। मतलब अदर आपके जो फ्लावर देखते होंगे उन फ्लावर में क्या होगा कि जनरली क्या होता है, पेटल देखिए नीचे की तरफ होते हैं, उसके सेपल भी नीचे की तरफ होते हैं। जब पेटल और सेपल नीचे की तरफ होंगे, ग्राउंड की तरफ होंगे, तो क्या होगा, एंथर और स्टिग्मा बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो चैस्मोगैमस होते हैं। तो इसमें सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है, क्योंकि अब देखिए ये मेल फ्लावर है, इनके देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये इसके सेपल रहे और ये इसके पेटल रहे, तो दोनों नीचे की तरफ है। जब दोनों नीचे चले गए तो मेल और फीमेल फ्लावर जो एक्सपोज हो गए, अब जब एक्सपोज हो गए तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों बाहर की तरफ है, तो इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि दोनों की कंपेटेबिलिटी के ऊपर। ये एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि कंपेटेबिलिटी कैसे बनती है, कि स्टिग्मा और आपके जो एंथर उनकी कंपेटेबिलिटी क्या, उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि ये कभी भी ओपन नहीं होते, ओपन नहीं होंगे तो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के क्लोज रहते हैं और बंद रहते हैं, तो कन्फर्मली इनवेरिएबली उसमें ऑटोगैमी होगा। ठीक है, तो एंथर डिसेस इन द फ्लावर बड, जैसे ही एंथर फटता है उसे पोलन बाहर निकलता है, इमीडिएटली दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा, क्योंकि बंद है। तो अगर अब देखिए अब बंद है तो पोलन को बाहर निकलने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, और उस केस में इस केस में आपको सेल्फ पोलिनेशन कन्फर्म नहीं मिलेगा। और क्लिस्टोगैमी में सेल्फ पोलिनेशन की कहने का मतलब पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो खुद बंद है उस पहली बात तो पॉलिनेटर की आई नहीं सकता, और दूसरा पोलिनेशन पॉलिनेटर की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अगर बंद ही है तो आसानी से वो इसकी ओवरी को फर्टिलाइज कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आपको पेटल विजिबल है, जब पेटल विजिबल है तो आपको जो पेटल यहाँ विजिबल है तो आपको यहाँ पे कोई भी मेल और फीमेल पार्ट विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट उसके अंदर की तरफ है। अब आता है कि क्वेश्चन है आपकी बुक का कि क्लिस्टोगैमी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। क्लिस्टोगैमी का एडवांटेजेस ये है कि उसमें उसके पॉलेंस कभी वेस्ट नहीं जाते, बेकार नहीं होते, तो कन्फर्मली उसमें ऑटोगैमी होगा ही होगा, और ऑटोगैमी होगा मतलब कहने का मतलब कन्फर्मली फर्टिलाइज होगा ही होगा, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे अनफेवरेबल कंडीशन हो, जब भी उसमें एटलीस्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो होगा ही होगा।
लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होते हैं कि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो वेरिएशन के चांसेस कम पड़ जाते हैं, और जो वेरिएशन होने की ना होने की वजह से प्रॉपर जेनेटिक मेटेरियल कहने का मतलब अपने आप को प्रॉपर एक्सपोज नहीं कर पाता, या कह सकते हो कि वेरिएशंस कम होंगे तो फिर आगे आने में टाइम में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब और लिखा भी हुआ है डिसएडवांटेज ये है कि विच रिड्यूस द चांसेस ऑफ वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली सुपीरियर प्रोजेनी, मतलब जो सुपीरियर प्रोजेनी के बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके। अब आता है गिट्नोगैमी। गिट्नोगैमी क्या होता है ध्यान रखना, ऑटोगैमी में ध्यान रखना, ऑटोगैमी में जो था, ऑटोगैमी में तो क्या ऑप्शन था कि एक ही फ्लावर बाइसेक्सुअल था जिसमें मेल भी था और फीमेल भी था, लेकिन गिट्नोगैमी में क्या होगा, आपके एक प्लांट पे दो फ्लावर हैं, मान के चलो एक ये फ्लावर है एक ये फ्लावर है, एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है जिसमें एक ये फ्लावर है एक ये फ्लावर है, तो एक फ्लावर का, एक फ्लावर का मेल पार्ट है दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट है, मतलब कहने का मतलब है आपका ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो होगा क्या, एक ही है कि प्लांट में दो फ्लावर जिसके पास एक पास मेल है दूसरे के पास फीमेल है, तो इसका पॉलन निकालकर दूसरे के ओवरी को फर्टिलाइज कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना अब ऑप्शन है इसके पास में क्रॉस पॉलिनेशन का, क्योंकि अगर पहले तो क्या था कि दोनों क्लोज थे और बाइसेक्सुअल थे, अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अगर वो आपका पॉलन निकलेगा तो जरूरी नहीं है कि इसके ओवरी को फर्टिलाइज करे, हो सकता है पास में कोई दूसरा प्लांट हो उसको जाके फर्टिलाइज कर दे, पॉसिबिलिटी होती है। अब इस केस में जब ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मान के चलो इसका ये स्टेम इससे यहाँ से अगर पोलर निकलेगा जरूरी थोड़ी ना इसको फर्टिलाइज करेगा, हो सकता है कि हवा की वजह से दूसरे प्लांट के ओवरी को फर्टिलाइज कर दे, तो सेल्फ पोलिनेशन बताया था क्लिस्टोगेमी और कैस्मोगेमस था, ठीक है। गिट्नोगैमी में क्या होता है, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब इसमें क्रॉस पोलिनेशन अगर कोई एजेंट अगर इन्वॉल्व हो गया, अगर कोई एजेंट इन्वॉल्व हो गया तो क्रॉस पोलिनेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी, अगर ध्यान रखना, और जेनेटिकली अगर बात करें तो ऑटोगैमी होगा, अगर इनकेस ऑटोगैमी होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर इकोनॉमिकली बात करें तो ये क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल है। जेनेटिकली क्यों, मान के चलो एक ही प्लांट का जेनेटिक स्ट्रक्चर तो सेम है, फॉर एन एग्जाम्पल इसके पोलन निकलकर इसके पोलन को अगर फर्टिलाइज कर गए तो जेनेटिकली स्ट्रक्चर जो बनेगा उसकी जो प्रोजेनी बनेगी वो तो जेनेटिकली सिमिलर होगी। हाँ इकोनॉमिकली अब यह कह सकते हो, इकोलॉजिकली हो सकता है कि इकोलॉजिकली साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है गिट्नोगैमी, मतलब अगर उसी को ही फर्टिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको सेम फ्लावर पे नहीं है दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, ठीक है, तो साइंटिस्ट मानते हैं कि इकोलॉजिकली ये क्रॉस पोलिनेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि गिट्नोगैमी फंक्शनली क्रॉस कैमी, क्योंकि इसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स काम करते हैं, और जब पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं तो ध्यान रखना जहाँ पे भी पॉलिनेटर एजेंट काम करते हैं वहाँ पर इकोनॉमिकल वायबिलिटी बढ़ती है और वहाँ पे इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, तो इकोनॉमिकली इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, वाइल जेनेटिकली इट इज सेल्फ एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि फ्लावर का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर वो तो सेम ही है, तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन जो इकोनॉमिकली है या सॉरी इकोलॉजिकली है, इकोलॉजिकली बहुत अच्छी बात है कि पॉलिनेटर्स हो रहे हैं, प्लांट पॉलिनेशन का एक कोऑर्डिनेशन बन रहा है, कोइवोल्यूएट हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इकोलॉजिकली इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिकली इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब आता है क्रॉस पोलिनेशन और जीनोगैमी। ध्यान रखना अगर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर फर्टिलाइज, मतलब एक फ्लावर का पोलन निकल के दूसरे फ्लावर के ओवरी को फर्टिलाइज कर रहा है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी। बट मैंने ये बताया था कि अगर वो कंप्लीटली क्रॉस गैमी भी हो सकता है, कि अगर हो सकता है कि इसके पोलन निकल के दूसरे प्लांट के ओवरी को फर्टिलाइज कर सकते हैं, वो एक अलग सिम्टम, एक अलग पॉइंट है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि ध्यान रखना क्या होता है कि जो आपका गिट्नोगैमी है उसमें सेल्फ पोलिनेशन की प्रोबेबिलिटी कम ही रहती है, ठीक है। अब आता है आपका क्रॉस पोलिनेशन जिसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं, उसको जो आपका सेल्फ पोलिनेशन था वो था सिनगैमी, ठीक है, सिनगैमी, जिसमें एग्जांपल क्या आता है आपका सिनगैमी एग्जांपल था, जिसमें ऑटोगैमी और गिट्नोगैमी जिसके दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम होता है ऑटोगैमी, सॉरी सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी, और सिनगैमी में आपके दो एग्जाम्पल, दो आपके पॉसिबिलिटी आ सकती है, दो कौन कौन सी, एक ऑटोगैमी और गिट्नोगैमी। अगेन ध्यान रखिए सेल्फ पोलिनेशन का दूसरा नाम होता है आपका सिनगैमी, जिसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है उसके अंदर कौन सी, ऑटोगैमी और दूसरी गिट्नोगैमी। अब आता है क्रॉस पोलिनेशन जिसका दूसरा नाम होता है जीनोगैमी।
अब इसके अंदर क्या होता है कि अब आपके ध्यान, अब यहाँ पे पिक्चर देखो क्लियर हो जाएगा कि फ्लावर वन से पॉलन निकल रहा है और दूसरे प्लांट के फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज अ टर्म्ड एज अ जीनोगैमी, मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग द पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, मतलब यही एक ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन, यही एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपकी जेनेटिक सिमिलरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए अब आता है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन के लिए कौन कौन से एजेंट मदद कर सकते हैं। तो एजेंट पॉलिनेशन के एजेंट की दो तरीके की जो एजेंट जो मदद करते हैं उनको हम एक्सटर्नल एजेंसीज बोलते हैं। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स, वन इज द बायोटिक, सेकंड वन इज द एबायोटिक। तो बायोटिक में हो गया एयर, वाटर, विंड, दैट इज अ बायोटिक। एबायोटिक के अंदर हो गए जैसे कि बर्ड है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक फैक्टर्स। तो यहाँ दो तरीके के पॉलिनेटर्स हो गए जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स है। अगेन ध्यान रखना, हमने याद किया सेल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का एग्जांपल क्या हो गया, सेल पॉलिनेशन का एग्जांपल है आपका सेल पॉलिनेशन है, ये सेल पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। सेल पॉलिनेशन का जो एग्जांपल है वो होता है आपका, उसको हम कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी के अंदर दो वैरायटी आती है, एक आता है ऑटोगैमी और दूसरा आता है गिट्रोगैमी, और फिर आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम कहते हैं जेनोगैमी। अब आता है आपका एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें दो तरीके की वैरायटी आ सकती है, एक होता है एबायोटिक जिसमें विंड और वाटर आता है, और एक होता है बायोटिक जिसमें इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल्स आते हैं। देखिए मेजोरिटी जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक को यूज करते हैं अपने पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि बायोटिक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बायोटिक को यूज करने से इकोलॉजिकली वायबिलिटी बढ़ती है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है। तो ये कोइवोल्यूएट होते हैं, मतलब जो बायोटिक सिस्टम है वो भी, जो भी जिसके थ्रू पॉलिनेट किया जा रहा है वो भी अपने आप को इवोल्यूएट करता है, और जो प्लांट है वो तो इवोल्यूएट हो ही रहे। तो इकोलॉजिकली इवोल्यूएट होने के लिए, इकोलॉजिकली डेवलप होने के लिए, वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, ये जनरली बायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं। लेकिन इन सम अदर केसेस दे मे यूज द वाटर एंड द वाटर, विंड एंड एयर आल्सो। सो पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, कि अगर कोई भी पॉलन अगर किसी स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आ रहा है सो इट मे बी पॉसिबल कि वो वाटर और एयर की वजह से भी आ जाए। लेकिन जनरली ये बायोटिक को चूज करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लांट एंड पॉलिनेटर, जो प्लांट और पॉलिनेटर का एक को इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें दोनों अपने आप को एक ही टाइम पर ग्रो कर पाते हैं। ओके, टू कंपेंसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पोलन ग्रेन द फ्लावर प्रोड्यूस इनोमरस अमाउंट ऑफ पोलन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर ए पोलिनेशन। मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अगर एक फॉर एन एग्जांपल एक एंथर से बहुत सारे पोलन रिलीज हुए, वैरायटी ऑफ पोलन, बहुत सारे नंबर ऑफ पोलन रिलीज होते हैं, सो दे हैव अ फुल चांस टू, दे हैव अ कंप्लीट चांस टू फर्टिलाइज अ स्टिग्मा। अब मान के चलो एक ही रिलीज हुआ, अब एक ही रिलीज हुआ, बिकॉज इन अनसर्टेनिटी चांसेस, अनसर्टेन चांसेस की वजह से हो सकता है कि पोलन खराब हो गया तो स्टिग्मा तो पहुंचेगा नहीं। तो दैट्स व्हाई ओव्यूल एक ही होता है, लेकिन वो वैरायटी ऑफ पोलन्स रिलीज करते हैं, नंबर ऑफ पोलन्स रिलीज करते हैं, और दैट नंबर ऑफ पोलन्स, अब होगा कि अगर अनसर्टेनिटी आए या कोई ऐसी ऐसी कोई रेयर चांसेस आए तो पोलन ग्रेन, अगर इसमें से 50 पोलन ग्रेन खत्म भी हो गए तो कम से कम कुछ पोलन ग्रेन तो बचेंगे, जो कि जाके ओव्यूल, एक पोलन ग्रेन ही अगर ओव्यूल तक पहुंच गया तो भी हमारा काम चल जाता है। So that's why they generate an enormous amount of the pollen grain. So at least they can reach to the stigma. अगर एक ही pollen release किया और uncertain हुआ, कोई हो सकता है कि wind नहीं, pollen inter proper काम नहीं कर पाया और वो ना पहुंच पाया तो वैसे खत्म हो जाएगा। Same in case of the human system. Human से जो sperms निकलते हैं तो एक single sperms नहीं होता, they release in lots of number में sperms निकाले जाते हैं, तो at least एक sperm तो वहां पहुंचेगा। Okay? क्योंकि क्या होता है कि कभी भी किसी भी गैमिट के, जो गैमिट को लेके जाया जा रहा है उस गैमिट के बीच में डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते हैं, हो सकता है कि वो डाइवर्टेड हो जाए, वहां तक पहुंच ना पाए, तो इसलिए इनॉमरस अमाउंट में पोलन ग्रेन निकाले जाते हैं कि अगर उसमें 99.99% भी अगर आपके पोलन ग्रेन खत्म हो गए तो कम से कम एक तो बचेगा जो वहां तक पहुंच जाए, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब आता है बायोटिक फैक्टर के थ्रू कोऑर्डिनेशन। एक होता है एयर के थ्रू जिसको हम कहते हैं एनिमोफिली, जो एयर के थ्रू आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जब व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज थ्रू द एजेंसी ऑफ विंड इट्स नॉन एज अ एमोफिली। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस एन इनॉमरस नंबर। और अडॉप्टेशन क्या क्या चाहिए, अब देखिए अगर आपका कोई भी पॉलिनेशन, अगर कोई पॉलिनेशन एयर की हेल्प से हो रहा है तो उसको कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली एक एग्जाम्पल है जिसमें, अब एनिमोफिली क्या होता है कि जिसमें अगर मान के एग्जाम्पल के लिए अगर एक विंड, एक जो आगे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेमन
एक हाइट के ऊपर है. तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ही उसके पोलन ग्रेन फटता है, फटेगा तो पोलन बाहर आएंगे, और जब पोलन ग्रेन पोलन बाहर आएंगे तो अगर वो एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो आसानी से एयर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर उसको फर्टिलाइज करने में मदद कर सकता है. ठीक है, मदद कर सकता है. तो ध्यान रखना कि दे प्रोड्यूस, जब भी पोलन ग्रेन के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे तो बहुत सारे पोलन ग्रेन एयर के साथ में स्विम करते हैं. अडॉप्टेशन क्या होना चाहिए एनिमोफिली के लिए, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेट होने के लिए उस उन पोलन ग्रेन्स में क्या अडॉप्टेशन होनी चाहिए, या फर्टिलाइजेशन के लिए क्या अडॉप्टेशन होना चाहिए अगर कोई पॉलिनेटर एयर है. तो आपका जो पोलन ग्रेन है अगर वो विंड के थ्रू पॉलिनेट हो रहा है तो उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल साइज होगा उतना ही ज्यादा वो लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव कर पाएगा. लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होगा तो ज्यादा मूव करेगा, और विद अ स्मूथ एंड ड्राई सरफेस. ठीक है, स्मूथ होना चाहिए, ताकि स्मूथ होगा तो क्या होगा, एयर का फ्रिक्शन नहीं लगेगा उसके ऊपर. और जब एयर का फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो एयर का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर एयर का फ्रिक्शन लग गया तो विंड की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब विंड की वेलोसिटी कम हो गई सो चांसेस होगा कि वो एयर वो पोलन ज्यादा दूर तक ना जा पाए. तो वो स्मूथ होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर होने से क्या होता है कि उसका वेट बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ने से एयर ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको कैरी नहीं कर पाएंगे. स्टिग्मा और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैज अडॉप्टेशन टू रिसीव द पोलन ग्रेन. अब आपका जो जो एक स्टिग्मा जो उस विंड जो पॉलिनेटेड फ्लावर है उसके पोलन को जो रिसीव कर रही है वो भी उसकी कैपेबल होनी चाहिए. तो उस क्या होता है कि उसकी जो स्टिग्मा होती है वो स्टिग्मा हेरी होनी चाहिए. हेरी कहने का मतलब ब्रश या फेदर हेरी लाइक होनी चाहिए, कि आसानी से वो अगर कोई एयर उसके कॉन्टेक्ट में आए, अब एयर के कॉन्टेक्ट मान के चलो एक फेदर जैसी स्टिग्मा उसके कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो एयर के कॉन्टेक्ट में आने से क्या हुआ, फेदर वाली जो स्टिग्मा है वो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी, मूव करेगी, तो उससे क्या होता है कि वो पोलन उसमें फंस जाएगा. विंड पॉलिनेटर फ्लावर ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, न्यूमेरियस फ्लावर पैक इनटू अ इनफ्लोरेंसेस. जो विंड पॉलिनेटर फ्लावर है, जो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जनरली एक ही ओवेरी होती है. ओके, वैसे तो जनरली क्या होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ अगर जनरली अगर एक से ज्यादा ओवेरी होगी तो एक से ज्यादा बीज बनते हैं, सीड्स का फॉर्मेशन होता है. लेकिन जनरली जो विंड पॉलिनेटेड होता है उसके अंदर सिंगल ओवेरी होती है, और न्यूमरस फ्लावर पैक होता है इनफ्लोरेंस, मतलब इनफ्लोरेंसेस होगा तो उसमें न्यूमरस फ्लावर पैक होंगे और हर फ्लावर के अंदर एक ही ओवेरी प्रेजेंट रहती है. तो कई बार क्या होता है कि अगर इनकेस विंड की वजह से फॉर एन एग्जाम्पल 50 पोलेंस अगर उस प्लांट तक पहुंचते हैं और एक इन्फ्लोरेंस तक पहुंचते हैं, और इन्फ्लोरेंस के अंदर मान के चलो 30 फ्लावर्स भी हैं और 30 ओव्यूल हैं, तो 30 ओव्यूल एक साथ फर्टिलाइज हो सकते हैं विंड की वजह से. जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ से पोलन निकला, ठीक है, और ये जो पोलन है निकलकर जैसे देखिए ये आपके स्टिग्मा, ये आपके ये देखिए आपके ये कार्पल्स है, सॉरी ये आपके क्या कहते हैं स्टेमन है, इस स्टेमन से यहाँ पे पोलन निकलता है और पोलन निकलकर एक दूसरे स्टिग्मा पर जाएगा. ए विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग ए कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेंसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमन. अब ये देखिए ये पूरा इन्फ्लोरेंसेंस है, ठीक है, इस इन्फ्लोरेंसेंस में आप देखोगे कितने सारे एंथर निकले हुए हैं, कितने सारे स्टेमन है, सॉरी ये स्टेमन निकले, इसका जो फूला हुआ पार्ट है ऊपर की तरफ ये आपका एंथर है, तो कितने सारे एंथर उससे, कितने सारे स्टेमन उससे निकले हुए हैं. अब फॉर एन एग्जांपल जब भी विंड आएगी तो विंड ये सबके ही पोलेंस को पॉलिनेट करने में मदद करती है. ठीक है, दे ऑफन पॉजेस द वेल एक्सपोज स्टेमन डिस्पर्स इन टू द विंड करंट्स. ध्यान रखना वेल एक्सपोज होने चाहिए, छुपा के रखेंगे तो विंड कैसे उनको साथ में लेके जाएगी. तो ये जो पोलेंस होते हैं छुपके नहीं होने चाहिए, दे शुड बी द वेल एक्सपोज. अब देखिए वेल एक्सपोज है सारे इन्फ्लोरेंसेस के जो स्टेमन है वो आप जिस एक इन्फ्लोरेंसेस है, इन्फ्लोरेंसेस के अंदर वैरायटी ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उन वैरायटी ऑफ फ्लावर्स के अंदर नंबर ऑफ आपके स्टेमन होते हैं जो कि उसके एक्सिस से बाहर निकले हुए हैं, तो जैसे एयर इनके कॉन्टेक्ट में आएगी सो दे कैन इजिली पॉलिनेट. ए फैमिलियर एग्जाम्पल है कॉनकॉ. The tassel, you are nothing is but stigma style which have in a wind to trap a pollen grain. अब ये देखिए ये pollen, ये देखिए आपको ये जो corn होता है, corn के जो नहीं होते corn जो होता है उसमें बहुत सारे आपके क्या कहते हैं fiber या धागे जैसे निकले होते हैं, thread जैसे structure निकला होता है जिसको हम कहते हैं corn cob, और ये होता है उसका style, ये इसका स्टाइल होता है जो पूरा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है. आप भी जो देखते हो ये क्या होता है, हेरी या फेदर जैसा होता है, तो आसानी से विंड जब इनके कॉन्टेक्ट में आता है तो वो आसानी से पोलन को एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो टेसल जो आप देख, जो आप टेसल्स देखते हो ना, टेसल्स मतलब जो थ्रेड जो आप देखते हो वो टेसल्स होता है, बट स्टिग्मा स्टाइल विच वेव इन अ विंड टू ट्रैप अ पोलन ग्रेन. तो अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा ये बिल्कुल धागे जैसी संरचना होती है, धागे जैसा स्ट्रक्चर है, तो दे कैन इजिली बी फ्लॉट इन टू द एयर. सो वैन दे इजिली फ्लॉट इन टू द एयर तो दे कैन इजिली ट्रैप दी
पॉलिनेट, दे कैन इजिली ट्रैप द पॉलन्स जो कि विंड के डायरेक्शन, विंड के द्वारा जो आ रहे हैं, विंड के थ्रू जो आ रहे हैं, दे कैन इजिली ट्रैप इट. ओके, तो ये क्या होता है, आसानी से हवा में क्या लहराते रहता है, दे कैन दे इजिली वेव इन टू द मीडियम ऑफ एयर. सो जब एयर के एयर में आसानी, जब ये वेव करते रहे तो आसानी से दे कैन इजिली ट्रैप द पॉलन्स. विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन अ ग्रास एज वेल. ओके, पॉलिनेशन इज वाटर इज अ क्वाइट रेयर इन अ फ्लावरिंग प्लांट. अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन मोनोकोटिलेडॉन्स की 30 जिनेरा के अंदर इस तरह का पॉलिनेशन पाया जाता है. इस लिमिटेड है ओनली केवल, मतलब मोनोकोटिलेडॉन के ओनली 30 जिनेरा में ये विंड के सॉरी वाटर के थ्रू पॉलिनेट होता है. अब होता है क्या है, लाइक अब इस सिंपल थिंग, दोस प्लांट आर फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर और दोस प्लांट आर फाउंड इन द फ्लाउंड इन द साइड ऑफ वाटर और दे आर सबमर्ज इन अ वाटर, ओनली दे कैन शो दिस पॉलिनेटिंग प्रॉपर्टी, लाइक दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट, दे कैन इजिली पॉलिनेटेड बाय वाटर. जैसे वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर अ मेल एंड फीमेल गैमेट अमोंग द लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. मतलब जो स्मॉल जो प्लांट्स होते हैं, लोअर क्लास के प्लांट होते हैं, जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, तो उनमें आपको वाटर के थ्रू पॉलिनेशन आपको आसानी से दिखाई देगा. ठीक है, तो आपका वहाँ पे वाटर एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फॉर द मेल गैमेट्स. मतलब जहाँ पे आपके जो एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, उनमें आपको एक वाटर जो होता है वो एक रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाई देता है, जहां आसानी से मेल गैमेट का मूवमेंट हो सकता है. इट इज बिलीव दैट पर्टिकुलरली फ्रॉम सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन. इट इज बिलीव दैट पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट देन डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन. जैसे कि कुछ जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो बेसिकली एल्गीज है जो वाटर सर्फेस में पाई जाती है, तो उनको जरूरत ही होती है क्योंकि वो विंड की प्रेजेंस में, इंसेक्ट की प्रेजेंस में, किसी भी बायोटिक फैक्टर की प्रेजेंस में वो पॉलिनेट नहीं कर सकते. दैट्स वाई दे आर लिमिटेड, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिटेशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन ओनली थ्रू द वाटर. Some example of water pollinator plants are the Vallisneria and a hydrilla. Example ध्यान रखेगा, which grow in a fresh water and several marine sea grasses. जैसे example है जॉयस्ट्रा, जॉयस्ट्रा के अंदर भी like आपको ऐसे examples मिलते हैं, और उसके अलावा Vallisneria है, hydrilla है, जो कि ये grow ही करते हैं fresh water के अंदर. कुछ जो marine sea grasses है, जॉयस्ट्रा वहाँ ये grow करती हैं. जैसे सभी एक्विटिक प्लांट के अंदर, जरूरी नहीं है कि जो प्लांट अब आपके वाटर में पाए जाते हैं उनमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो. ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो वाटर के अंदर पाए जाते हैं लेकिन उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता. एग्जांपल के लिए वाटर हाइसिंथ होता है, वाटर हाइसिंथ है, ठीक है, वाटर हाइसिंथ है, और फॉर एन एग्जाम्पल वाटर लिली है. दे ऑल्सो फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, लेकिन उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता, उनमें इंसेक्ट या विंड के थ्रू उनमें पॉलिनेशन होता है. वाटर लिली है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है, ये जनरली वाटर की सरफेस पे पाए जाते हैं, बट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, द मोड ऑफ मूवमेंट इज व्हाट, द मोड ऑफ जो मूवमेंट होता है, मोड ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो होता है क्या आता है, आपका इंसेक्ट होता है या फिर विंड होता है. इन वेलेसनेरिया, मैंने आपको बताया था वेलेसनेरिया के अंदर फीमेल फ्लावर क्या होता है, वो आपके वाटर के सरफेस पे लॉन्ग स्टॉक से पहुंच जाता है. आप देखोगे ये वेलेसनेरिया का प्लांट है, ये इसकी लॉन्ग स्टॉक है, मतलब इसका जो जिससे वो बेस से कनेक्ट होता है उसको स्टॉक बोलते हैं, तो लॉन्ग स्टॉक होता है. वेलेसनेरिया क्या होता है, वैसे अंडर, क्योंकि इसका जर्मिनेशन अंडरग्राउंड होता है, लेकिन लॉन्ग स्टॉक की वजह से वो वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है, जिससे वो आसानी से पॉलन ग्रेन को वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वाटर में जब रिलीज करके देन दे डू द पॉलिनेशन प्रॉपर्टी, देन दे कैन शो द वाटर पॉलिनेशन प्रॉपर्टी. ओके, दे आर कैरिड आउट पैसिवली बाई ए वाटर करंट. अब ध्यान रखना पैसिवली क्या होता है, कि पैसिवली क्या कहने का मतलब है कि अगर आपके जो ये पॉलन ग्रेन होते हैं, ये पॉलन ग्रेन को अगर किसी स्टिग्मा तक पहुंचना है तो इनको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है. लाइक वाटर का जो करंट होता है वो इतना लगातार उनको पॉलन्स को मूव कराने में मदद करता है कि दे कैन ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू द स्टिग्मा इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी. तो वो वाटर का जो करंट है वो आसानी से उनको पहुंचा देता है, तो पॉलन को कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट खुद नहीं होती है. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड स्टिग्मा. कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से खुद पहुंच जाते हैं. एग्जांपल के लिए देखिए, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर ने अपना पॉलन को रिलीज किया, इनसाइड ऑफ वाटर पॉलन को रिलीज किया. अब जो पॉलन होगा
उसको ऊपर जाने के लिए या स्टिग्मा को फर्टिलाइज करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है. व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद दी वॉटर करंट, तो इजिली दे कैन रीच अप टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर. तो आसानी से थ्रू दिस वॉटर करंट दैट पॉलन इज कैन रीच टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल फ्लावर. ओके, ठीक है, वॉटर दिख रहा है आपको, ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये वॉटर करंट है. तो इस वाटर करंट के थ्रू ये आसानी से, ये जो पॉलन होता है आसानी से इसके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है. दैट्स अ पैसिव मैकेनिज्म. तो उनको कोई जरूरत नहीं है कि एनर्जी की जरूरत हो, ठीक है. ये पैसिव, वैसे तो जितना भी जो पॉलिनेशन होता है, ये पॉलिनेशन को एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. इवन सारा जो प्रोसेस है, वो सारा जो प्रोसेस होता है वो विदाउट एनर्जी ही होता है, चाहे विंड के थ्रू हो या किसी इंसेक्ट के थ्रू हो. सारा प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली आपका एब्सेंट ऑफ एनर्जी में ही होता है. अब जैसे कि सी ग्रासेस, मैंने बताया था कि जो मैराइन में सी ग्रासेस पाई जाती है, अब ये सबमर्ज होती है. अब सबमर्ज होती है तो ना उनसे कोई बर्ड पहुंच सकती है, ना एयर पहुंच सकती है. तो ऑब्वियसली दे हैव टू बी ट्रांसपोर्ट, दे हैव टू बी पॉलिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो ये देखिए, जो कि वाटर अंदर की तरफ, जो सी के अंदर पाई जाती है, जो सी ग्रासेस होती है, तो उनको क्या होता है, ये अपने पॉलन ग्रेन को वाटर में रिलीज कर देते हैं. और वाटर की जो करंट होती है वो आसानी से इनके पॉलन को किसी स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा देती है, तो वहां पे फर्टिलाइज हो सकते हैं. पॉलन ग्रेन इन मैनी स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, दे कैरी इट पैसिवली इनसाइड अ वाटर. अब कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं, एग्जाम्पल के लिए जोस्ट्रा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था. इनका जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिबन जैसा होता है. जब रिबन जैसा होगा क्या है कि रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होने की वजह से आसानी से वाटर के थ्रू फ्लोट होता हुआ वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, ठीक है. तो जोस्ट्रा जो मैराइन एंजियोस्पर्म्स होता है, उनका पॉलन ग्रेन रिबन लाइक होता है और इनमें एक्साइन नहीं होता, ठीक है. इनमें एक्साइन नहीं होता, सिर्फ इंटाइन प्रेजेंट रहता है. एक्साइन का काम तो वैसे भी प्रोटेक्शन देना ही होता है, लेकिन इनमें एक्साइन प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ इंटाइन प्रेजेंट रहता है. और दे हैव सम स्पेसिफिक ग्रेविटी. अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि ये जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से ये वाटर के सरफेस पे नहीं, वाटर के अंदर की तरफ पाए जाते हैं. सो इफ यू फील कि अगर कोई फेदर जैसा स्ट्रक्चर है, कोई लाइक रिबन जैसा स्ट्रक्चर है, दे मस्ट बी फ्लॉट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. बट इट इज नॉट लाइक दैट, दे डू नॉट फ्लॉट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, दे जस्ट found inside of water due to this some specific gravity. Okay, so the pollen can therefore float below the surface of water. मतलब नीचे की तरफ पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी specific gravity water से थोड़ी ज़्यादा होती है. They help in their pollination, or some of them reach through stigma and achieve pollination. ये देखिए ribbon shape जैसा structure होता है. अब क्या होता है, ribbon जैसा structure होता है, तो अब ये जो female plant आपके वाटर के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, तो उनमें अब जो जैसे कि जोस्ट्रा है वो क्या करेगा, रिबन जैसे स्ट्रक्चर को रिलीज करेगा. तो आसानी से स्पेसिफिक ग्रेविटी होने की वजह से दे कैन फ्लॉट विद द वाटर. व्हेन दे फ्लॉट विद द वाटर, फ्लॉट सॉरी इट मींस लाइक दे आर फाउंड इनसाइड ऑफ वाटर. सो व्हेन दे फ्लॉट, या कह सकते हो व्हेन दे फ्लॉट विद द हेल्प ऑफ द वाटर करंट, सो दे कैन रीच अप टू द लाइक यू दे कैन रीच अप टू द फीमेल फ्लावर. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए थे बहुत सारे, जैसे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी ग्रासेस है, जोस्ट्रा है, वैलिसनेरिया है, हाइड्रिला है. अभी देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये जोस्ट्रा था, ठीक है. तो अभी जोस्ट्रा का प्रॉब्लम ये होता है कि इनका जो फीमेल होता है, जो ये पॉलन रिलीज करते हैं, बड़े बड़े रिबन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं. अब ये जोस्ट्रा तो कहाँ पाया जाता है, जोस्ट्रा कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सी ग्रासेस जो होती है वो सबमराइन होती है. कहने का मतलब है सबमर्ज्ड होती है. अब सबमर्ज्ड होगी तो ऑब्वियसली बात है पॉलन को भी सबमर्ज रहना पड़ेगा. अगर उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से थोड़ी ज्यादा कम होती, तो कम होने की वजह से क्या होता है, ये वाटर में सरफेस करते, जब ये वाटर के ऊपर सरफेस करते तो फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कैसे करते. सो दैट्स व्हाई दे हैव टू बी कीप बिलो द लेवल ऑफ वाटर, सो दे कैन इजिली फर्टिलाइज. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीस, जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बेसिकली एक म्यूसिलियस कवरिंग के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं, जिससे कि आसानी से वेट ना हो, ठीक है. सो बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, सो दे डू नॉट प्रोड्यूस एन नेक्टर. क्योंकि जो विंड या वाटर के थ्रू हो रहा है, तो उसमें कोई, देखिए हमें जो नेक्टर मिलता है वो तो इंसेक्ट के लिए जरूरत होती है, इंसेक्ट के इवोल्यूशन, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरत होती है नेक्टर की. अब विंड और वाटर को क्या अट्रैक्ट करना, तो इसके लिए ऐसे प्लांट के अंदर आपको नेक्टर नहीं मिलेगा. इसका रीजन है, आपकी बुक में पूछा गया क्वेश्चन कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर डू नॉट नीड टू बी अट्रैक्ट टू द इंसेक्ट, सो दे आर यूजुअली स्मॉल एंड डू नॉट प्रोड्यूस अ नेक्टर और हैव लार्ज कलरफुल पेटल्स. अब देखिए
पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब हम पढ़ते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू कैसे होता है। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे कि बीज है, बटरफ्लाइज है, फ्लाइज है, बीटल्स है, वॉस्प है, आंट है, मॉथ है, बर्ड है, सम बर्ड्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, दे आर ए मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इसके अलावा अमॉन्ग द एनिमल्स इंसेक्ट है, कुछ पर्टिकुलरली बीज, दे आर अ डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इवन सच लार्जर एनिमल्स जैसे प्राइमेट्स है, कुछ आपके ल्यूमर्स है, एरिब्रॉल है, ट्री ट्रैवलिंग रोडेंट्स है, इवन रेप्टाइल्स भी हैं, जैकोराइजार्ड एंड द गार्डन लिजार्ड, ये भी पॉलिनेटर में मदद करती है, पॉलिनेशन में मदद करती है। ओवन फ्लावर ऑफ द एनिमेटेड एनिमल पॉलिनेटर प्लांट्स आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ए एनिमल। ओवन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली अडॉप्टेड फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। ध्यान रखना कि जो कोई भी जो फ्लावर होगा वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही सिर्फ पॉलिनेट होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज से ही सिर्फ पॉलिनेट होता है और हर एक तरह की स्पीसीज से वो पॉलिनेट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने अंजीर का दिया था, अंजीर में जो वो पॉलिनेट होता है तो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर से ही वो पॉलिनेट होता है। मैंने शायद आपको एक पहले का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको जो पहले एक प्लांट और पॉलिनेशन का एग्जांपल दिया था, सो आई यूज दैट रॉन्ग एग्जांपल। वो अंजीर का एग्जांपल नहीं था जिसमें वो फीमेल जो उसके सूडो कॉपुलेशन का जो एग्जांपल दिया था कि उसका जो लीफ होती है, जो उसकी जो लीफ होती है वो बेसिकली फीमेल जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है और जाके मेल बीटल उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल नहीं है। सो यहाँ पे बेसिकली अंजीर का एग्जांपल हम यूज करते हैं। अंजीर में क्या होता है कि अब उसमें केवल एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही ग्रो करे तो उसके लिए उसका जो लाइक उसमें हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथोडियम जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो आसानी से की वजह उसकी वजह से हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस की वजह से एक पर्टिकुलर इंसेक्ट कैन टेक एंट्री, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर फ्लावर्स आर द लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर, जो कि आपके इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और नेक्टर में हाई होते हैं, क्योंकि नेक्टर में हाई होंगे जभी तो वो आप किसी भी बर्ड्स को या किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल ए नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्सिपेसस। अगर मान के चलो कि अगर फ्लावर छोटे छोटे हैं और वो इतना अमाउंट ऑफ नेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या होता है, सारे मिलकर ग्रुप में काम करते हैं, उस ग्रुप को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिससे कि उनको वो ज्यादा अपने आप को वायबल बना सके इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू द फ्लावर बाय द कलर एंड द फ्रेग्रेंस। The flower pollinated by the flies, beetles secrete a foul odor to attract these animals because the purge and odor signals become a source of food and breeding and heat provide optimal temperature for a breeding purpose. अब ध्यान रखना, आपके जो flies और beetles होते हैं इनको अच्छी खुशबू नहीं चाहिए, they need a like a purge and odor signal because that purge and odor signal that is needed for the food and the breeding, they become a source of food and breeding and they also that अब वो क्या होता है, ध्यान रखना जहाँ पे भी आपकी से purging smell आती है उस purging smell की में क्या होता है heat के साथ वो बाहर निकलती है, तो जहाँ पे भी purge जैसी smell निकल रही होगी तो उसका reason है कि उसमें कुछ purge जैसी smell निकल रही है तो उसका मतलब कुछ process in anaerobically चल रहा है, जो प्रोसेस एनारोबिकली इन द सेंस ऑफ ऑक्सीजन निकलता है तो उसका मतलब उसमें हीट भी साथ निकलती है और ऐसी जो हीट है वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए उनको बहुत हेल्पफुल होती है। तो दैट्स व्हाई जो आपके आपके जो बीटल्स होते हैं या जो फ्लाइज होती हैं, ओके, जो बीटल्स होती हैं और जो फ्लाइज होती है, दे डोंट नीड अ गुड फ्रेग्रेंस, दे कैन बी पॉलिनेटेड टू द फ्लावर्स, दे कैन बी पॉलिनेटेड टू द फ्लावर इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्ज एंड द लाइक ऑडोर सिग्नल्स, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ द सच सिग्नल्स, ओके, वो आसानी से पॉलिनेट कर सकते हैं, लाइक ऐसे उनका एक फूड और ब्रीडिंग का एक चांसेस मिल जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी ध्यान रखना फाउल स्मेल आती है वो एनारोबिक रिएक्शंस की वजह से आती है और एनारोबिक रिएक्शन जहाँ पे भी होती है वहाँ से हीट निकलती है और हीट की वजह से आसानी से ब्रीडिंग हो सकता है, ओके। टू सस्टेन एनिमल विजिट फ्लावर हैव टू प्रोवाइड अवार्ड टू द एनिमल्स, और अवार्ड में क्या होता है, नेक्टर और पोलन ग्रेन। For harvesting the award from the flower, animal visitor come in contact with the anther and stigma. मतलब क्या होता है कि animal को अगर कोई भी nectar की लालच में in the greedy and the greediness of the nectar या फिर in the requirement of the nectar when they visit to the plant, so they वो visit करते हैं, so they eat the nectar and along that pollens जो होते हैं उनके surface पे stick हो जाते हैं और they can easily pollinate from one place to the another place. The body of animal get a coating of pollen grain which are generally sticky in animal pollinated flowers. ध्यान रखना, body of animal, अब ध्यान रखना,
जो ऐसे पॉलन ग्रेन जो कि किसी एनिमल के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, तो उनके जो पॉलन ग्रेन होंगे उनके सरफेस पे कुछ आपको स्टिकी मटेरियल मिलेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर आसानी से स्टिक कर जाते हैं। When the animal carrying the pollen grain on its body come in contact with the stigma, it bring about the pollination. अब जब animals ऐसे pollens को एक place से दूसरे place में लेके जाएगा, so that is coming, that is a process of pollination. जब वो stigma के contact में आएगा. In some species, flower reward are providing a safe place to lay eggs. जैसे कि अंजीर का भी example ये था कि काफी ऐसे कैसे ऐसे बहुत सारे बीटल्स होते हैं, या फिर कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि हर बार प्लांट्स को, हर बार क्या कहते हैं, इंसेक्ट को या बर्ड्स को सिर्फ उनको नेक्टर ही चाहिए। कई बार क्या होता है, अपने अंडे देने के लिए, अपने अंडे को देने के लिए, फॉर द लेइंग आउट ऑफ एग्स, ओके, लेइंग आउट ऑफ द एग, वो ये पॉलिनेशन करते हैं। The flower का reward in the providing, अब like generally कुछ species में like floral जो activity करते हैं, जो pollination करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अंडे देने होते हैं, तो in that case जब वो अंडे देने जाते हैं वहाँ पे, अगर उसको अपने उस flower के अंदर अंडे रखने जाते हैं, तो उस case में pollination भी हो जाता है। Example, the tallest flower of the amorphous, जिसकी height कम से कम 6 feet है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखिए flower of the amorphous, तो ये देखिए इसकी हाइट 6 फीट तक की इसके फ्लावर की हाइट होती है। तो इसमें एक एक लाइक कहने का मतलब इसमें एक मॉथ होता है जिसका नाम है टेजिकुला। अभी टेजिकुला जब इसके फ्लावर के कांटेक्ट में इसलिए आता है क्योंकि इसको अपने अंडे यहाँ देने होते हैं। सो व्हेन दे कम इन कॉन्टेक्ट विद दिस फ्लावर, तो आपके जो पॉलेंस होते हैं इसके बॉडी पे चिपक जाते हैं, और दैट स्ट्रक्चर द इंसेक्ट जब किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा। It is a kind of the moth and laying the egg into the locule of the ovary. और वो ovary के locule में अपने egg देते हैं। तो अब जब वो ovary के locule में अपने egg देंगे, तो क्या होगा? वो जो pollen इनके body पे already attached होगा, वो उसके stigma पे आ जाएगा और आसानी से pollination हो पाएगा। ठीक है, सबका अपना अपना different structure होता है। अब वैसे ही a similar relationship मिलेगा आपको moth और yucca plant के अंदर। इसमें क्या होता है, जो moth होता है वो मोथ जो होता है वो यक्का प्लांट के ओवेरी के अंदर अपने एग देता है, इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ, और इसके बदले में जो मोथ होता है, उसके पॉलिनेशन में मदद करता है। तो अब मोथ जो होगा वो यक्का प्लांट के ओवेरी में अपने एग देगा, तो क्या होगा कि अब वो यक्का जो अब जो मोथ किसी पॉलन को लेके आ रहा होगा, और जब वो ओवेरी के अब ओवेरी में अपने पॉलन को रिलीज करेगा, तो उस चक्कर में क्या होगा कि उसमें उसका पॉलिनेशन होगा, उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो मोथ डिपॉजिट द इट्स एग इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवेरी, द फ्लावर इन टर्न गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। ठीक है, अब वो जब वो ओवेरी के लॉक्यूल में अपने एग देगा, ठीक है, तो इसके बदले में क्या होगा कि वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिनेशन होगा, या फिर जो पॉलन लेके आ रहा है तो उसके लॉक्यूल में छोड़ देगा और उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग। अब देखिए दोनों का इसमें कोई इवोल्यूशन हुआ है, तो कोई इवोल्यूशन का अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, जैसे कि वो अमॉर्फलस और एक मोथ का एग्जाम्पल था, यहाँ पे भी जैसे यक्का प्लांट का और ये यक्का प्लांट का और मोथ का एक कोइवोल्यूशन है। अब क्या होगा कि उस एग में क्या होगा, अब वो जो एग जहाँ पे डेवलप हो रहे थे तो उसका लार्वा बनेगा, वो लार्वे से वहाँ पे एक नया मोथ बनेगा और वो नया मोथ साथ में आता है। ठीक है, अब वो जो लार्वा ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, और जैसे क्या होगा, ध्यान रखना जब वो पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन की वजह से जो पॉलन होगा वो जो स्टिग्मा पे आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और साथ साथ वहाँ जो एग उसने दिए थे, एग के साथ साथ वो लार्वा भी डेवलप होगा, लार्वा भी बाहर आएगा और उसका सीड का भी डेवलपमेंट होगा। और फिर कई बार ये भी होता है कि जब वो सीड को अपने साथ ले जाके सीड को कहीं दूसरी जगह वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। सो इसे लाइक दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोइवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यक्का प्लांट का है या अमॉर्फलस का है, या फिर जो उसको मोथ पॉलिनेट करने आ रहा है, अब वो मोथ कोई ना कोई तो देखिए मोथ कोई ना कोई तो वो अपना पॉलन हो सकता है कि जब किसी के कांटेक्ट में आया हो, जो किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आया हो, वो तो वहाँ पॉलन लेकर आया होगा। अब जैसे ही वो ओवेरी के अपने उसके लॉक्यूल में जाके जैसे ही वो अपने अंडे देगा, तो वो अपने पॉलन भी वहाँ रिलीज कर देगा, जब पॉलन रिलीज कर देगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब उसके ओवेरी में जब उसने अंडे दिए थे, जो एग दिए थे, तो लार्वा बनेगा, एंड द लार्वा कम्स आउट ऑफ द एग आएगा, तो साथ साथ सीड भी डेवलप होगा। एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे सीड डेवलप होता जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, तो सीड ही बनेगा।
तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब प्लांट के अंदर सीड डेवलप हो रहा है और साथ साथ उस मौत का जो लार्वा है वो बाहर आ रहा है उस सीड से, सो एग से बाहर आ रहा है, तो लगातार ये सब कोइवोल्यूशन चलता रहता है. सो दैट्स व्हाई दे आर एग्जांपल ऑफ दी, जैसे यक्का हो गया, ये मौत हो गया. ओके, तो अब हम कल के लेक्चर पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो ये जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा पॉलिनेशन के बारे में कि किस तरीके के पॉलिनेशन हो सकते हैं, ऑटोगैमी पढ़ा, ठीक है, इसमें लाइक सेल पॉलिनेशन पढ़ा हमने, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, सेल पॉलिनेशन के अंदर भी हमने वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देखे, जैसे कि उसमें आपका ऑटोगैमी हो सकता है, गिटनोगैमी हो सकता है, फिर क्रॉस पॉलिनेशन देखा, पॉलिनेटर्स देखे, इसमें एयर के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है, तो क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटी होंगी जब एयर के थ्रू होगा, क्या पॉसिबिलिटी होंगी जब वाटर के थ्रू होगा, बायोटिक सिस्टम से कैसे हो सकता है. जनरली जो होता है, जो इंसेक्ट ज़्यादा मदद करते हैं, मतलब जो पॉलिनेशन, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं पॉलिनेशन में इन ऑल बायोटिक वर्ल्ड. ठीक है, फिर हमने देखा था बहुत सारे कोइवोल्यूशन के एग्जांपल हैं, यक्का का एग्जांपल, मौत का एग्जांपल, ऐसे वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स हमारे सामने आए. ठीक है, चलिए, ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म हुआ. अब हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में आउटब्रेसिंग डिवाइसेस. धन्यवाद, थैंक यू.